अजय की कार सुनसान सड़क पर तेजी से चल रही थी। उसके चारों ओर घने पेड़ थे और बीच बीच में केवल कुछ ही स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी में वह औरत हाथ में लाल गुलाब लिए अजय की तरफ देख रही थी। अजय ने सोचा शायद वह किसी मदद के लिए खड़ी है। उसने कार धीमी की और उसके पास जाकर पूछा, आपको कहाँ जाना है? वह औरत बिना कुछ बोले कार में बैठ गई और आगे की सीट पर बैठकर सिर्फ सड़क की ओर देखती रही। अजय ने फिर पूछा, कहाँ छोड़ना है आपको? मगर कोई जवाब नहीं मिला। अजय को अब कुछ अजीब लगने लगा था। रास्ता और ज्यादा सुनसान हो गया था। अचानक कार के अंदर ठंड बढ़ने लगी। कार के शीशों पर धुंध जमने लगी। अजय ने कार में हीटर चालू किया, लेकिन ठंड कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। अचानक उस औरत ने धीरे से कहा, इस जगह से मत गुजरना, वो आ जाएगा। अजय ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। अजय के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने कार को रोकने का सोचा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी कार के आगे एक अजीब आकृति सड़क पर खड़ी है। आकृति की आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह आकृति धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगी। अजय ने डर के मारे कार को पूरी स्पीड में दौड़ाना शुरू किया, लेकिन कार जैसे ही उस आकृति के पास से गुजरी, अचानक इंजन बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और उसकी सांसें रुकने लगी। अजय ने हिम्मत जुटाई और कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कुछ उसके कंधे पर भारी सा हाथ रखा हुआ है। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा और वही औरत जिसने उसकी कार में लिफ्ट ली थी अब उसके पीछे खड़ी थी। मैंने कहा था यहाँ से मत गुजरना, वह बोली और अचानक ही गायब हो गई। अजय की चीख निकल गई और उसने किसी तरह से कार चालू की और वहां से भाग निकला। जब वह शहर पहुंचा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उस रात के बाद अजय ने कभी भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की।